इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को ब्रीफ में समझेंगे। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, इन तीन पार्ट्स में हम ईयर को डिवाइड करते हैं। पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये तीन पार्ट हैं एक्सटर्नल ईयर के। इस्टीशियन ट्यूब और थ्री ईयर बोन्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये दोनों पार्ट्स मिलके मिडिल ईयर बनाते हैं। और बोनी लैबरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबरिंथ, ये दोनों पार्ट्स मिलकर इंटरनल ईयर बनाते हैं। इन सभी पार्ट्स के डिटेल हम आगे प्रेजेंटेशन में जानेंगे। उससे पहले हम ईयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले इंटरनल ईयर इवॉल्व हुआ और ये सभी वर्टिब्रेट्स, पाइसिस से लेकर मैमल्स तक, सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इंटरनल ईयर के बाद मिडिल ईयर इवॉल्व हुआ और ये एम्फीबियन से मैमल्स तक के ग्रुप में पाया जाता है। पाइसिस के पास मिडिल ईयर नहीं होता है। और सबसे बाद में एक्सटर्नल ईयर इवॉल्व हुआ जो कि केवल और केवल मैमल्स में पाया जाता है, यानी कि वो सभी एनिमल्स जिनके पास पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, वो मैमल होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ कुछ एक्वेटिक मैमल्स हैं जिनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। रिकॉल कीजिए एक्वेटिक एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स, तो वेल, डॉल्फिन, पॉर्पोइस, ये कुछ एक्वेटिक मैमल्स के एग्जांपल्स हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम ईयर के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये तीन पार्ट्स मिलकर एक्सटर्नल ईयर बनाते हैं। मिडिल ईयर में ये तीन बोन्स देखिए, मेलियस, इनकस और ये स्टेप्स, और ये स्टीशियन ट्यूब, ये दो पार्ट हैं मिडिल ईयर के। मिडिल ईयर की ये कैविटी है और इस कैविटी को हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। ये स्टीशियन ट्यूब मिडिल ईयर की कैविटी और ओरल कैविटी को कनेक्ट करती है और इन दोनों कैविटीज़ के बीच में एयर प्रेशर को इक्वलाइज करता है। कभी आपने अगर कान में दवाई डाली हो कोई, और कुछ ही सेकंड के बाद उस दवाई की बिटरनेस को अगर आपने माउथ में फील किया हो, तो शायद हैरान हुए होंगे कि दवाई तो कान में डाली थी और बिटरनेस मुझे माउथ में क्यों फील हो रही है। तो ये इसी स्टीशियन ट्यूब की वजह से हमें ऐसा फील होता है। स्टीशियन ट्यूब के थ्रू कुछ मेडिसिन ओरल कैविटी में आ जाती है और उस मेडिसिन की बिटरनेस हमें माउथ में फील होती है। ये यहाँ पर इंटरनल ईयर हमने दिखाया हुआ है। इंटरनल ईयर को हम ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये स्पाइरल शेप्ड कॉकलिया है और ये वेस्टिबुलर अपरेटस है। इस वेस्टिबुलर अपरेटस को हम बहुत डिटेल में आगे समझेंगे। इंटरनल ईयर में ये दो विंडो शेप्ड यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये ओवल आउटलाइन वाली विंडो को हम ओवल विंडो कहते हैं और सर्कुलर आउटलाइन वाली विंडो को हम सर्कुलर विंडो कहते हैं। इन दोनों विंडोज के थ्रू इंटरनल ईयर मिडिल ईयर से कम्युनिकेट करता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं ईयर के। आगे डिटेल में हम इन सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब कुछ एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। अगर आप किसी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पॉइंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले, पिन्ना कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मीटर्स लाइज इन टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंफॉर्मेशन कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एफएक्यूज इन वेरियस मेडिकल एग्जाम्स। और नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल ईयर की स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स सिक्रीट करते हैं, और इस वैक्स में कुछ केमिकल होते हैं जो पैथोजेंस के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और इस तरह से हमारे कान में कई तरह के इन्फेक्शंस को रोकते हैं। अब हम मिडिल ईयर में पाए जाने वाले तीन ईयर ऑसिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। तो इस डायग्राम में देखिए, ये तीन ईयर ऑसिकल्स दिखाए हुए हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें आपको, स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। और यहाँ पे जरा लोकेशन देखिए, ये किस तरह से लोकेटेड है मिडिल ईयर में। तो मेलियस जो बोन है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में है। इट लाइज जस्ट अगेंस्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम।
जबकि ये स्टेप्स ये बिल्कुल ये जो इंटरनल ईयर की जो ओवल विंडो है इसके अगेंस्ट लाई करती है। तो इस तरह से मिडिल ईयर में ये तीनों बोन्स सिचुएटेड हैं। और यहाँ हमने इस स्ट्रक्चर में हमने केवल इन तीनों बोन्स को ही दिखाया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो मेलियस को हम हैमर से कंपेयर करते हैं, ये बिल्कुल हैमर के शेप से रिसेंबल करता है, इस वजह से हम मेलियस का कंपैरिजन हैमर से करते हैं। जबकि हम इनकस को हम एनविल बोलते हैं। ये डिवाइस आपने शूमेकर की शॉप पर ज़रूर ही देखा होगा, तो इस डिवाइस से रिसेंबल करता है ये इनकस की शेप, इसलिए इसे हम एनविल भी कहते हैं। और स्टेप्स को हम स्टरप भी बोलते हैं। ये देखिए, ये स्टरप यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, घोड़े पे चढ़ने के लिए लोग इसको सपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं, और जब घोड़े की पीठ पे बैठे होते हैं तब भी ये अपने फीट को इसी स्टरप वाले डिवाइस में सपोर्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने फीट को इसी डिवाइस पे टिकाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है तीन ईयर ऑसिकल्स के बारे में। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें, ये तीनों ईयर ऑसिकल्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं ये साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है अगर आप किसी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। अब हम इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जान लिया है कि इंटरनल ईयर दो कंपोनेंट्स का बना होता है, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ बोन्स की कैविटीज़ की सीरीज है स्कल के टेम्पोरल बोन में, और इन कैविटीज़ में इस बोन की कैविटीज़ में एग्जिस्ट करता है हाईली डेलिकेट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। यहाँ हम एक टर्म बार बार यूज़ कर रहे हैं, लैबिरिंथ। लैबिरिंथ का मतलब होता है मेज़ या टेढ़े मेढ़े गलियारे। तो जो इंटरनल ईयर है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम इसे लैबिरिंथ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स का बना हुआ है, वेस्टिबुलर अपरेटस जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, और कॉकलिया ये एक हियरिंग ऑर्गन है। वेस्टिबुलर अपरेटस को हम फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ऑटोलिथ ऑर्गन। यहाँ ऑटोलिथ का मतलब आपको बता दें, ऑटो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू ईयर, और लिथ का मतलब होता है स्टोन। इस ऑर्गन में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, इस वजह से इस ऑर्गन को हम ऑटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं। ऑटोलिथ ऑर्गन को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल। इन सभी स्ट्रक्चर्स को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कंपोनेंट्स हैं इंटरनल ईयर के। इस डायग्राम की हेल्प से हम इंटरनल ईयर के कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले एक बात आपको यहाँ और बता दें कि इंटरनल ईयर में दो तरह के फ्लूइड्स हमें मिलते हैं, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। ये इन दोनों फ्लूइड्स की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी डिफरेंट है, हम वो डिफरेंसेस यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि इंटरनल ईयर में दो तरह के फ्लूइड्स हमें मिलते हैं, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन कर लिया है, तो ये बोनी लैबिरिंथ है और इसकी कैविटीज़ में ये हाईली डेलिकेट स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जिसे हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, कॉकलिया जो कि एक हियरिंग ऑर्गन है, और ये पूरा स्ट्रक्चर ये वेस्टिबुलर अपरेटस कहा जाता है। वेस्टिबुलर अपरेटस को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमें दिख रही हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। इस ऑटोलिथ ऑर्गन के दो कंपोनेंट्स हैं, यूट्रिकल और सेक्यूल। अब इन तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपस में राइट एंगल पे एग्जिस्ट करती हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और इन कैनाल्स की जो एक एंड होता है वो उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग हमें दिखाई देती है, और इस स्वॉलन पार्ट को सेमी सर्कुलर कैनाल के एक एंड के इस स्वॉलन पार्ट को हम एम्पुला कहते हैं।
तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इंटरनल ईयर के। यहाँ हमने एक डायग्राम और दिखाया हुआ है, ये हाईली सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसी इंटरनल ईयर का। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इंटरनल ईयर के कंपोनेंट्स का। तो ये पूरा इंटरनल ईयर है और ये कॉकलिया और वेस्टिबुलर अपरेटस में डिवाइडेड है। ये वेस्टिबुलर अपरेटस में ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं और ये ऑटोलिथ ऑर्गन है। ऑटोलिथ ऑर्गन का ये यूट्रिकल पार्ट है और ये सेक्यूल पार्ट है। ध्यान से देखिए तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो यूट्रिकल से कनेक्टेड हैं, जबकि कॉकलिया वो जो है वो सेक्यूल से कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रक्चर है इंटरनल ईयर का। जब हमें इस तरह से स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आगे आप देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को समझना कितना आसान है। अभी हमने इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, तो उसमें हमने जाना है कि कॉकलिया और वेस्टिबुलर अपरेटस, ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इंटरनल ईयर के। और कॉकलिया एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। अब विजुलाइज कीजिए, इस क्वाइल को हम स्ट्रेच आउट करके अनक्वाइल करते हैं, इसे हम अनफोल्ड करते हैं, तो हमें एक स्ट्रेच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। और अगर हम उसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखें तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो क्विक रिवीजन करते हैं, तो ये अनक्वाइल्ड कॉकलिया है और ये सेक्यूल है, ये यूट्रिकल और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ये राउंड ओवल विंडो है और ये राउंड विंडो है जो हमने एक डायग्राम में आपको दिखाई हुई है। ये दोनों इंटरनल ईयर के कंपोनेंट हैं। और अब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की स्टडी करते हैं कॉकलिया की। तो हम जब इसको स्टडी करते हैं तो इसमें 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर वाले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, मिडिल को हम स्केला मीडिया और सबसे नीचे वाले ट्यूबलर स्ट्रक्चर को हम स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। हमने 2 फ्लूइड्स के बारे में बताया था, तो स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई ये पेरिलिम्फ नाम के फ्लूइड से फिल्ड है, जबकि स्केला मीडिया में हमें एंडोलिम्फ मिलता है, एंडोलिम्फ से भरा हुआ है ये स्केला मीडिया। इस कॉकलिया के एंड पर एक नैरो पैसेज लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम हेलिकोट्रीमा बोलते हैं, और ये हेलिकोट्रीमा स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई इन दोनों ट्यूब्स को कनेक्ट करता है। अब देखते हैं इन ट्यूब्स के बीच में जो हमें मेम्ब्रेन्स मिलती हैं, तो स्केला वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है उसे हम रीजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। और स्केला मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में मिलने वाली मेम्ब्रेन को हम बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई एग्जिस्ट करता है। ये यहाँ पे हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ऑर्गन ऑफ कॉटाई दिखाया हुआ है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में ये हमने छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं, ये हेयर सेल्स हैं विच आर इन कॉन्टैक्ट विद दिस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर है अनक्वाइल्ड कॉकलिया के एलस का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का। यहाँ हमने ऑर्गन ऑफ कॉटाई के एक सेक्शन को दिखाया हुआ है। तो ये देखिए, ये हेयर सेल्स हैं और इनके स्टीरियोसीलिया, ये स्टीरियोसीलिया हैं जो कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करते हुए हैं। तो अगर हमें इस तरह से डायग्राम क्लियर होगा तो आगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब हम कॉकलिया के ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करते हैं। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं कॉकलिया के, तो ये हमें ये 3 कैविटीज दिख रही हैं इस सेक्शन में। तो सबसे ऊपर वाली कैविटी को हम स्केला वेस्टिबुलाई, मिडिल वाली को हम स्केला मीडिया और सबसे नीचे वाली कैविटी को हम स्केला टिम्पेनाई बोलते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच में मिलने वाली मेम्ब्रेन को हम रीजनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि स्केला मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में मिलने वाली मेम्ब्रेन को हम बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। बैसिलर मेम्ब्रेन पर ये हियरिंग ऑर्गन मिलता है जिसे हम ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहते हैं, और ऑर्गन ऑफ कॉटाई के कॉन्टैक्ट में जस्ट ऊपर ये हमें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो ये कॉकलिया का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस डायग्राम की हेल्प से अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को। तो डायग्राम में देखिए, तो ईयर कैनाल में ये साउंड वेव्स दिखाए हुए हैं और जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करते हैं, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, और ये वाइब्रेशंस इन ईयर ऑसिकल्स के थ्रू ओवल विंडो तक जाते हैं, और ओवल विंडो अब वाइब्रेट होनी शुरू हो जाती है।
अब ये वाइब्रेशंस और आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में ये वाइब्रेशंस आ जाएंगे, जिसकी वजह से पेरिलिम्फ वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा और ये वाइब्रेशंस जो हैं वो रीजनर्स मेम्ब्रेन अब पिक कर लेगी। और ये वाइब्रेशन अब फर्दर आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा मीडिया के एंडोलिम्फ में भी ये वाइब्रेशंस आ जाएंगे और ये एंडोलिम्फ वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। जब एंडोलिम्फ वाइब्रेट होता है तो हेयर सेल के ये जो स्टीरियोसीलिया हैं ये रब होना शुरू हो जाते हैं अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और इन एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन की वजह से जो स्टीरियोसीलिया रब हो रहे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और इम्पल्स जनरेट हो जाती है और ये नर्व इम्पल्स अब कॉकलियर नर्व या ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के एक हिस्से में जाती है और वहाँ ब्रेन उस इम्पल्स को एनालाइज करता है और हमें बताता है कि हम क्या सुन रहे हैं। यहाँ अपने स्टूडेंट्स को एक और बात क्लियर कर देते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस जनरेट हुए हैं फ्लूइड्स में, ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं इंटरनल ईयर के फ्लूइड्स में और इस प्रेशर को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा और हमारे इंटरनल ईयर के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। तो देखते हैं अब ये प्रेशर कैसे रिलीज होता है। तो ये जो वाइब्रेशंस जनरेट हुए हैं स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में, ये वाइब्रेशंस आगे बढ़ते हैं और स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ तक आ जाते हैं और अब ये वाइब्रेशंस राउंड विंडो के अगेंस्ट हिट करेंगे और राउंड विंडो को वाइब्रेट करके उसमें वाइब्रेशंस जनरेट करके तो ये प्रेशर अब रिलीज कर देंगे। तो जो भी प्रेशर जनरेट होता है फ्लूइड में वो साथ के साथ राउंड विंडो से हिट होकर रिलीज भी हो जाता है। तो ये हियरिंग का मैकेनिज्म है जो हमने इस डायग्राम से समझने की कोशिश करी है।